पुदीने की चटपटी चटनी, हाथ से पुदीना दूसरे हाथ से पुनवा, फिर धनिया और चटनी, ये ऊपर नहीं बन रही नीचे बन रही है, मतलब चटनी मिल बांट के खाई जा रही। मतलब इस समय ना हमारी जिज्जी की भावनाएं कंट्रोल में हैं। तो भाई जिज्जी का जो टाइटल है, ये वीडियो स्पेशल मम्मी जी के लिए। मैं बदल रही हूँ वक्त के साथ। अब तमाम लोग ना बहुत ज़्यादा विचलित हो गए होंगे और तमाम लोगों ने इस टाइटल का गलत अंदाज़ा लगाया, और इसमें लोगों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। क्योंकि देखिए दर्शकों, मैंने भी गलत अंदाज़ा लगाया था जब मैंने जिज्जी का टाइटल पढ़ा। तो यहाँ पर ना ये जो टाइटल है इसका मतलब कुछ और है जी, हैं आप लोग ना जो समझ रहे हो उससे कतई कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, टरू वालों ने कुछ दूसरे ज्ञान दे दिया जिज्जी को, और साम दाम दंड भेद टरू वालों ने जिज्जी को सिखाया कि देखो जब अगला वाला 10 तारीख आएगा तो तुमको का करना है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी को यहाँ पर वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जिज्जी के ब्रेक में से एक छोटा सा ब्रेक करके आ गई हैं जिज्जी फिर से। जिज्जी का कहना है, तमाम लोग सोच रहे होंगे कि मैं ब्रेक पे हूँ, फिर भी मैं तो मैं ब्रेक पे ही हूँ, और ये ब्रेक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ें समझ पा रही हूँ, और फिर से मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं ऐसे ही ब्रेक में बीच बीच में हफ्ते में एक बार आती रहूँगी, अपने दाल पानी का इकट्ठा करती रहूँगी, बाकी मैं ब्रेक पे ही रहूँगी। भाई ब्रेक पे रहने का मकसद कुछ और है। तो भाई आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और जो ये जिज्जी का वीडियो है इसके बारे में चलो आप खुलकर करते हैं वार्तालाप, लेकिन हाँ वाकई में आप लोग गलत सोच रहे हो। जिस तरीके से आप जहाँ निशाना लगाना चाह रहे हो, इवन जो जिज्जी ने निशाना लगाया है वो भी ना गलत लगाया है, ताकि आप लोग ना ऐसे ना सोचो, ऐसे डगमगाए जाओ है कि अच्छा। तमाम लोग तो भाई जिज्जी को कहते हैं वेरी गुड है। ये वीडियो स्पेशल मम्मी जी के लिए तुम बनाई हो, और अब बदल भी रही हो वक्त के साथ, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तुमको ना अपने अंदर बदलाव लाने भी चाहिए, ये जनता कह रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो बदलाव आया है जिज्जी के अंदर वक्त के साथ जो बदल रही हैं, तो वैसे तो आपके अंदर कोई कमी थी नहीं, आप तो हमेशा सही थी, आपके अंदर कोई ना गलती थी ना आपकी कोई कमी थी, तो फिर बदलाव किस लिए जब आप सही हैं। अब सही इंसान थोड़े बदलाव करेगा भाई साहब। आप ही लोग बताइए, अगर मैं हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे लगेगा मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ, तो मैं अपने अंदर बदलाव करेंगी। अगर आप हो, अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो, अगर आपको कोई समझाएगा या फिर वक्त की ठोकर खाए कि आप समझ जाओ, तो आप अपने अंदर बदलाव लाओगे, है ना। लेकिन जब आपको पता है कि वक्त ख़राब है, ठोकर ख़राब है, लेकिन मैं सही हूँ, तो आप बदलाव क्यों लाओगे। देखिए हमारी जिज्जी उसी में से आती है। खैर बिना कोनो देरी करे हुए मैं आपको बता दूँ कि जिज्जी का जो वीडियो शुरू हुआ है भाई, चटनी वटनी के साथ शुरू हुआ है, काफ़ी सारे प्याज हैं, अमियाँ और कौन सी वाली कोयली अमियाँ हैं, 90s के बच्चों का भी जिक्र यहाँ पर हुआ। अरे जिज्जी, पहले तो तुम 90s की हो या बड़कन्नी जिज्जी 90s की हैं भाई, इमा बहुत कन्फ्यूजन है। इसलिए ना हमको कोयली अमियाँ से मतलब नहीं है, हमको तो तुम्हारी चटपटी चटनी, वो भी बातों वाली चटनी से मतलब है। तो जिज्जी ने जो ये ब्रेक तोड़ के आज यहाँ पर आई हैं, उसका भी एक मकसद है। चलिए जी आपको बताते हैं। फिर डॉक्टर की बातें भी जिज्जी ने बताई कि डॉक्टर ने उसको बोला था कि सुबह सुबह की आप धूप लिया करो, विटामिन डी की जो कमी है बॉडी में वो आपकी दूर हो जाएगी। अरे भाई पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, तो हमारी जिज्जी ऊपर छत पर पहुँच गई। और जिज्जी ज़्यादा छत पर यही लिए नहीं आती क्योंकि बच्चा, मतलब भाई छोटू चिंटू अपना ऊपर चला जाता है। इस वजह से जिज्जी ने कहा कि यहाँ नज़ारा तो बहुत प्यारा लग रहा है, हालांकि एकदम कड़कड़ाती चांदनी वाली धूप थी, लेकिन जिज्जी को नज़ारा प्यारा लग रहा था। और फिर जिज्जी वहाँ पर सोच रही थी कि काश ओपन रूप में मैं बढ़िया गार्डन वार्डन बनाऊँ। अरे जिज्जी, अगर ऊपर कुछ टीन ऊन है नहीं, किसी प्रकार का कुछ ऊपर बना नहीं है, चाहे जितना पानी डालो पेड़ पौधे झुलस जाएंगे खुले में रखने से। लेकिन जिज्जी खुद ही हाथ पीछे खींच लें कि वैसे तो भाई हम इतने में परेशान, हम कहाँ इतना सब कुछ कर पाएंगे अकेले, हैं हम नीचे अपना ही कर लें, अपने बच्चे कर लें, यही बहुत ज़्यादा है। नई कढ़ैया का पूरे तरीके से भाई यूज किया गया है, उसमें ना हलवा बनाए के सूजी वाला हलवा,
क्योंकि देखिए नई कढ़ाई है तो पहले कुछ मीठा से शुरुआत होगी, और कढ़ाइया में जो हलवा बना था उसको ना बग्गी को पकड़ाया गया। हाँ हाँ, बग्गी आ चुकी है। बग्गी अपने मम्मी पापा के साथ नहीं है भाई, वो पुराना है। 12 तारीख बग्गी ने अपनी मम्मी को विश भी किया था, हैप्पी मदर्स डे। हाँ हाँ हाँ, याद आया। तो वो पुराना माल आपको दिया जा रहा है। जिज्जी ये वक्त के साथ जो बदलाव करी हैं अब उस पर आते हैं। तो जिज्जी ने वक्त के साथ बदलाव ये किया है कि भाई पूजा पाठ करती हैं, जो कि पहले भी करके दिखाई हैं, लेकिन कितने दिन के लिए ये बदलाव है यही समस्या है। क्योंकि इनका सबका बदलाव ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, कुछ दिन बदलाव रहता है फिर ये अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। ना जाने कितनी बार हमने इनको देखा है पूजा पाठ में विलुप्त होते हुए। कैमरा मंदिर में रख देते हैं और फिर अपने आप को हाथ जोड़ कर दिखाते हैं, फिर अगरबत्ती सुलगाते हुए दिखाते हैं। ये सारा चीज़ हमने कई बार देखा, तो ये कुछ नया तो है नहीं। और सुबह सुबह धार्मिक गाने चला देते हैं, भजन चला देते हैं। ये सारे बदलाव हमारी जिज्जी के अंदर आ रहे हैं। एक सुघड़ गृहिणी बनने की पूरी पूरी कोशिश हमारी जिज्जी कर रही है। विगत दिनों में नीचे खाना बन रहा था तो वहाँ से अपने कढ़ैया बर्तन जौन भी थे वो उठाई से कि चलो भैया अपना कढ़ैया बर्तन अब लेके चलें, अब नीचे वाला टाइम पूरा हुआ। अरे मतलब बीमारी से उबर चुकी हैं, है ना। अब बीमारी से उबर चुकी हैं तो ऊपर ही जाएंगे ना। अब भाई नीचे वाले नीचे अपना बनाएंगे, ऊपर वाला अपना बनाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, बर्तन आ जाते हैं। मतलब जिज्जी का नीचे इतने कम बर्तन है कि अगर तुम भाई ऊपर से नीचे खाने आती हो तो बर्तन भी लाने पड़ते हैं, छोटा कुकर और कटोरिया बर्तन। हाँ, एक गिलासी भी मांगी गई है, जो कि बहुत बचकाना हरकत लगा हमको। कह रही थी कि भाई ये जो तुम्हारी गिलासी है, इसका जो ये मुड़ाव है, इसमें चाय पीने का मुझे बहुत ही अलग से आनंद आता है, तो ये मैं तुम्हारी गिलासी लिए जा रही हूँ। बग्गी बेचारी शर्माए रहे थे कि जिज्जी हमसे कहे परमिशन ले रहे हो। वो भैया उसने बर्तन खो निकाले पीछे जहाँ पे रखे हुए थे उनके ना स्टैंड में, दो चार गिलासी और देने जा रही थी। जिज्जी बोली नहीं नहीं नहीं, बस हमको एक ही चाहिए। मतलब जिज्जी बार बार यू रियलाइजेशन कराए रही हैं कि देखिए महारानी मालकिन से पूछिन के मैं सब कुछ नीचे कर ले जाती हूँ, या तो मम्मी जी होती तो मम्मी जी से पूछ लेती, मैं ऊपर नीचे हमारे सब अलग है हैं, इसलिए हम एक गिलास एक कटोरी एक चम्मच भी लेते हैं तो पूछ लेते हैं बग्गी से। मतलब यार इनके हाल गए सीन चलता है, कौन यार गिलास कटोरिया बर्तन के लिए पूछता है, इतना छोटा दिल। खैर, अब इन्होंने ये दिखाना था ऑन कैमरा कि देखो बग्गी से ऐसा नहीं कि हम कुछ और सामान उठा ले जाते हैं, हम बिल्कुल प्यार मोहब्बत एक दूसरे करते हैं, बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक दूसरे कटोरिया बर्तन भी उठाते हैं ना तो सबसे पहले पूछते हैं और या फिर परमिशन लेते हैं या फिर बताते हैं, कन्फर्मेशन देते हैं कि देखो हमने आपका ये सामान लिया है और अब हम ये ले जा रहे हैं, हम यूज़ करेंगे। वाह जिज्जी वाह। और इतना ही नहीं दर्शकों, भाई अपने ससुराल से आई हुई साइकिल को उन्होंने उठा के दिखाया, मतलब साइकिल दिखाए बच्चे का, ना हाथ ना पैर, अब हम साइकिल चलाते हैं। बग्गा बड़ी साइकिल चला रहा, हम लोग छोटी साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल को चलाते हुए दिखाया गया है। जिज्जी, ये सब नौटंकी ड्रामा करके आप कहाँ साबित करना चाहती हो? आपने केक तो कट नहीं करने दिया, आपने केक कट करने के लिए अपने वकील से मना कर दिया कि इस महीने का कोटा पूरा हो चुका है, अब जो हम मिलेंगे अगले महीने को मिलेंगे। तो ये ऐसा टाइटल डाल के पहली बात तो आप सब्सक्राइबर को भ्रमित कर रही हो कि ये वीडियो स्पेशल मम्मी जी के लिए है, मैं बदल रही हूँ अब वक्त के साथ। अगर तुम वाकई में वक्त के साथ बदली थी बहनी बिटिया मुन्नी हैं, तो तुमको ना अपने अंदर बदलाव दिखाना होता, मुंह से बोल के नहीं, टाइटल के माध्यम से नहीं, थंबनेल के माध्यम से नहीं, सीधे सीधे उन लोगों को इनके साथ अपने बच्चे के साथ केक कट करा के। अगर वो लोग आपके घर आने में सहमत थे, क्योंकि भैया डर लगता है ना इसे घर में आने में, क्या पता कौन सी चीज़ का इल्ज़ाम लगा दें हैं। प्यारी समझ गई। ऐसा हो गया वैसा हो गया, गली निकला पे इतना बड़ा इल्ज़ाम, तो किसी होटल में या कोनो ऐसे प्लेस में या ढल अंकल के ढाबा पे जहाँ पे अक्सर आपके घर के प्रोग्राम होते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप ऐसा कर सकती थी ना जिज्जी। तो हम मान लेते बिना आपके टाइटल डाले, अब हमको जो दिखता है हम उसके हिसाब से मानते हैं, आपके टाइटल डालने से हम नहीं ना मान लेंगे कि आप बदल गई हैं। तो बदलाव वो होता और हम सबको समझ में आ जाता कि वाकई में हमारी जिज्जी के द्वारा बदलाव लाया गया अपने क्रियाकलापों में अपने आचरण में, वाकई में हमारी दीदी पूरे तरीके से कोशिश कर रही है।
लेकिन ये जो नौटंकी ड्रामा कर रही हो बच्चे को ना मिलाए के बाद, इसको हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आपको भी पता है कि ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रही हो, पता है ना? सिर्फ चंद डॉलर के लिए ऐसी भ्रमित भ्रमित करने वाली ही जानकारी है, उसका प्रसारण हो रहा है जिज्जी के टाइटल के द्वारा। फिलहाल ये जो आपने देखा है टाइटल, ये टाइटल है अपनी मम्मी जी से रिलेटेड, क्योंकि घर का जो आड़ू का पौधा है, पेड़ है, वो भी मम्मी जी का राह तक रहा है, मुरझावा जा रहा है। वो कह रहा है कि मम्मी जी तुम कब आओगी, अदरवाइज हम मुरझाए जाएंगे और नहीं तो एक टाइम के बाद सूख जाएंगे। हैं, मम्मी जी ने परेतिन से भी पूछा कि हम आ जाएं, तो परेतिन ने कहा नहीं नहीं तुम आराम से रह के आओ, अपना ना घूमो फिरो, ऐश करो, अब जो जो होना था वो तो हमारी जिंदगानी में हो चुका है। हैं, तो मम्मी जी को लग रहा है कि कोई चाहता ही नहीं कि मैं आऊँ। मम्मी जी आप सबक सिखाने गई थी अपने लड़कों को और अपनी बिटिया को, कहीं यहाँ पर तो नहीं सबक सीख लें कि आपने यूँ गलत काम कर दिया है? जब ज़रूरत थी आपकी बहुरिया को आपकी और आपकी बेटी को आपकी, तब आप सबक सिखा रहे थे अपनी झूठ की दीवानी के बहकावों में आके। अब यही बच्चे तुमको बोलन नहीं रहे कि मम्मी जी हम सबक सीख चुके हैं, मम्मी जी प्लीज़ आ जाओ, मम्मी जी प्लीज़ आ जाओ। वो सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, अपना सब कुछ काम धाम कर सकते हैं। बग्गा है ये है हमारी जिज्जी का सपोर्ट करने के लिए। बग्गा ने उस दिन बोल भी दिया कि मैं मामा का, भाई का, बेटे का, पति का हर फर्ज निभा रहा हूँ। हाँ, वो जिज्जी हमारे थोड़ा विचारों की संकुचित है, तो छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, तो उनका सबका दूसरा साइड दिखाने लग जाती है, या फिर अकेले वाला राग लपने लग जाती है कि मैं अकेली हूँ फलान ढमाक। तो दर्शकों, आपको कहा लगता है कहीं मम्मी जी ने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? मतलब 2 महीना हो गए सबक सिखाने के लिए गई थी, लेकिन भाई इधर से मम्मी जी की कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, कह रहा मम्मी जी तुम आराम से वहीं रहो, मम्मी जी वहीं रह जाओ, और उधर झूठ की दीवानी रोज़ दिन गिनती हैं, मम्मी जी आपको 2 महीने हो गए, आप दोनों को 2 महीने 15 दिन हो जाएंगे, आप दोनों को 2 महीना 5 दिन हो जाएंगे इस तारीख को। अरे अब कैसे खुले मुँह कह दे कि मम्मी जी अब बस करो, अब चली जाओ, बहुत हो गया। मम्मी जी यकीन मानो 6 महीने अब वहीं रुक जाओ तुम। कहस के इधर तो देखो बच्चे का बर्थडे था, वो तो निकल इन गवा हैं। अब सबके वहाँ हिस्से में माता आती है ना, तो अभी जो हिस्सा चल रहा है वो झूठ की दीवानी का, वैसे भी मम्मी जी इतनी दूर का रोज़ रोज़ जाओगी पटना, पैसा लगता, पैसा पेड़ पे थोड़ी मुंह में उगते हैं झूठ बोल बोल के। तो वैसे भी ना हम तो कह रहे हैं कि अब हमारी जिज्जी का ना, जो तुमने शपथ लिया था ना कि अब जिज्जी का अगर बच्चा बच्चा होगा तो उसको स्कूल स्कूल भिजवाइन के आओगी, मतलब अब 2-4 साल उधर टिक जाओ और सोहर ओहर गावक तैयारी करो, दोनों मम्मी रहोगी तो भाई बच्चे की मालिश वालिश भी अच्छे से हो जाएगी, और सब अच्छा भला बुरा सब आपको पता है, दोनों को एक्सपीरियंस भी है, तो आपका एक्सपीरियंस बोलेगा। तो जनता, आप लोग इस बात से सहमत हो कि मम्मी जी वहीं रह जाएं? जनता पूरे तरीके से सहमत है। कुल मिलाए के छुटकन्नी जिज्जी ने जो ये टाइटल डाला है, टाइटल के माध्यम से यूँ बोला है कि मम्मी जी आपको यहाँ का घर, यहाँ का चौबारा, यहाँ का किनारा, यहाँ के पड़ोसी, ताऊ जी का लड़का, चाची की लड़की, सब याद कर रहे हैं कि मम्मी जी से सब अटैच्ड हैं। मम्मी जी की याद अब हर पड़ोसी को, यहाँ तक कि 3 बजे वाली, 3:30 बजे वाली ट्रेन, 4 बजे वाली चाय, 10:30 बजे वाली चाय, सब मम्मी मम्मी चिल्लाए, अब मम्मी आ जाओ हैं। तो भाई छुटकन्नी ने मम्मी जी को अपना खेत खलिहान सब कुछ दिखाया, भिंडी कितनी बड़ी हो गई, कितने बड़े होने पे तोड़नी पड़ जाएंगी हैं, ये सारी चीज़ों को मम्मी से अवगत कराया, क्योंकि मम्मी जी को अब हर चीज़ देखने का मन कर रहा है। तो छुटकन्नी ने इसीलिए कैमरा लगा दिया और मम्मी जी 2-4 दिन पहले चिंता कर रही थी ना कि छुटकन्नी का हमारा घर बस जाए, हमें और कतई कुछ नहीं चाहिए, हम अपना सारा पेंशन उसके नाम कर देंगे, अगर वो UIT छोड़ देगी हम कहीं उसके साथ सेट सुट हो जाएंगे, कोई उसका साथ दे ना दे, हमारे आखिरी सांस तक हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ों को मम्मी की जो बातें हैं भाई हमारे छुटकन्नी जिज्जी ने सुना, इसलिए हमारे छुटकन्नी जिज्जी ने भाई बोला है कि मम्मी जी डोंट वरी, आप टेंशन ना लो, वक्त के साथ अब मैं बदल रही हूँ, अब मैं पहले वाली परेशान परेतिन नहीं रहूँगी, अब मैं स्ट्रांग परेतिन बन गई हूँ।
क्योंकि दिनों दिन हमारे छोटकन्नी जीजी को बड़कन्नी जीजी मोटिवेट करती रहती है ना कि परेतिन बहुत स्ट्रांग है, उसके गलत गलत जो चीज़ें उसने डिसीजन लिए हैं उसको भी बोलते हैं उसके जैसा कोई कर नहीं पाएगा, उसके जैसा कोई महान बन नहीं पाएगा। बस इतनी सी चीज़ें बोलनी होती हैं और हमारे परेतिन जीजी एकदम छलांग लगाए के खुश हो जाते हैं, एकदम गुलगुला हो जाते हैं कि हमारी बड़कन्नी जीजी ने तारीफ़ा कर दी, अब इससे ज़्यादा मुझे कहाँ चाहिए। और जो टरू वाले हैं उनको ये लग रहा है कि ये जो टाइटल है ये इन्होंने अपनी सासू अम्मा के लिए लिखा है। तो एक टरू वालों ने जीजी को बोला कि वेरी नाइस बेटा, परेतिन बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, धीरज रखना, 10 तारीख को तुम सिड को लेकर जाना कागजी बेटे कागजी पति के साथ, है ना, तो कागजी पति तुम्हारे बेटे को देखकर इमोशनल हो जाएगा और आप तीनों एक साथ हो जाना, आपको और आपके कागजी पति को एक काम करना होगा। इन्होंने एक गुरु ज्ञान दिया, इनका कहना है कि जैसे कागजी पति दिखे आप उसको हक कर लेना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ बेटा आप इतनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी एक हो जाओ, हम बहुत वेट कर रहे हैं ब्लॉग में आपको देखने के लिए एक साथ। इन्होंने तो भैया एक चीज़ बता दी, जादू की झप्पी है, जैसे मुन्ना भाई जादू की झप्पी देते थे और सबका ना बीमारी उमारी दूर हो जाता था। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बातें। अब मुन्ना भाई सबको जादू की झप्पी देके उनका दुख दर्द सब हर लेते थे, सब इमोशनल हो जाते थे। तो वैसे इस टरू वाले ने जीजी को ज्ञान दिया है कि बस जाना अपने बच्चे को लेके और ना मिलाए देना, वो इमोशनल हो जाएंगे, बस तुम उनको हग कर लेना और जैसे तुम हग करोगे बस उन्हें पघिल जाएंगे, जितना पत्थर दिल है ना एकदम पघिल के भाई साहब एकदम जमीन में गिर जाएंगे और फिर है ना हम देखने के लिए बेकरार हैं तुम सबको एक साथ। तो देखिए जनता जनार्दन ये तो हम लोग कब से चाह रहे थे, लेकिन ये जिज्जी नहीं चाह रही, अगर चाह रही होती तो टंडीला थोड़े बनवाते, चाह रही होती तो अभी बच्चे को जो अवसर मिला था केक कट करवाने का वो कराती ना, 10 तारीख का क्यों वेट करना आंटी जी या फिर जो भी है बहन जी बिटिया जी जिस एज की हो मुझे नहीं पता। एडवाइस जो दी है उससे लग रहा है कि आप बड़े हो इसलिए मैंने आपको रिस्पेक्ट दी है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका सोच विचार तो बहुत अच्छा है और इस सोच विचार को बहुत सारे लोग एग्री करते थे, तमाम लोगों ने इनसे बहुत दिनों से कहा है कि आप ऐसा करिए आप ऐसा करिए, लेकिन कुछ डरू वाले नाश पिटे इस टाइटल को ये समझ रहे हैं कि अपने सास को ये बोल रही है कि मम्मी जी मैं बदल रही हूँ अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ और ये स्पेशल मम्मी जी के लिए वीडियो है। तो भाई गलतफहमी का वो भी शिकार हो गया जैसे हम हो गए, अब यहाँ तो उसने अपनी मम्मी को संबोधित किया है। तो एक टरू वाले ने तो भाई देखिए टरू वालों का जो हिसाब किताब होता है आप सबको पता है, क्या लिखा है, परेतिन तुम अपने आप को इतना नीचे मत गिराओ, वहाँ क्यों जा रही हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करो, वहाँ जाकर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, प्लीज़ वहाँ मत जाओ। आए हाय लो कुछ टरू वाले अभी भी ना बिल्कुल जिज्जी को गलत ही सलाह देंगे, वैसे अब सलाह से कतई कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जो होगा वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना डिसाइड करेगा, उसके बाद अगर इनमें से कोई भी संतुष्ट नहीं होगा उस फैसले से तो वो अपना दोबारा कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है किसी अदालत में। अब आगे का होगा का नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर यहाँ पर चाल ही चली जा रही है, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं की जा रही है जिससे आप ये सोचो कि ये अपने आप के अंदर बदलाव ला रही हैं। बदलाव तब होता है, हमें इनको बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, हमें समझ में आ जाता कि भाई इंडिपेंडेंट जिज्जी अब बदलाव ला रही, इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि अकेले करता ही कुछ नहीं, चाहे आपके पास जितना रुपया पैसा डॉलर हो लेकिन अगर आपके अपने साथ नहीं तो कुछ नहीं।